सब्सक्राइब करें द स्पीड स्टडी चैनल को और घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने परिवार द स्पीड स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जो है साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आज से शुरू कर रहे हैं और इसमें जो है आपको प्रतिदिन आना है और इसको देखना है, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैंने कहा था कि आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी और आज से साइंस के लिए जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं लेकर आऊँगा और आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, याद रखिएगा। वहीं अगर हम आपको बता दें दोस्तों, तो जो नई बैच शुरू होगी वो आपकी दिसंबर से शुरू होगी, लाइव ऑन बोर्ड रहेगा। दोस्तों, लाइव ऑन बोर्ड रहेगा, जैसे कि अभी तक आप पहले पढ़ते थे उसी तरह पढ़ाया जाएगा। तो अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का पहला प्रश्न, और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लिखा होगा, दोस्तों देख रहे होंगे कि विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग। जी हाँ दोस्तों, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो स्कर्वी रोग है दोस्तों, जो विटामिन सी की कमी से होता है। वहीं अगर हम आपको बता दें दोस्तों, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है आपका। तो विटामिन ए से रतौंधी, बी से बेरी बेरी और सी से दोस्तों स्कर्वी। वहीं अगला प्रश्न देखिए, ब्लीटिंग पेपर द्वारा स्याही को सोखने में शामिल परिघटना है। जी हाँ दोस्तों, ब्लीटिंग पेपर जो होता है वो स्याही को सोख लेता है, उसका क्या कारण है दोस्तों? तो कोशिकीय अभिक्रिया के कारण, क्योंकि ब्लीटिंग पेपर जो होता है उसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं दोस्तों, और वो कोशिकीय अभिक्रिया करके स्याही को क्या कर लेता है? सोख लेता है। वहीं अगर हम आगे बात करें तो आप देख रहे होंगे, ठीक है, मैंने कहा था दोस्तों कि ठीक है आप लोग इसमें जो है वन लाइनर है, आप लोग देखते रहिए और बीच बीच में जय हिंद लिखते रहिएगा ताकि पता चले कि हाँ आप लोग जो है देख रहे हैं। तो बर्नौली की प्रमेय की सहायता से, अगला देख रहे हैं दोस्तों, बर्नौली की प्रमेय की सहायता से, यानी कि बर्नौली की प्रमेय जो होती है वो किस सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों? किस सिद्धांत पर आधारित है, किस प्रमेय पर आधारित है? तो याद रखिएगा, बर्नौली की प्रमेय जो होती है दोस्तों ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होती है। तो बर्नौली की प्रमेय किस पर आधारित है? तो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। वहीं अगर हम आगे बात करें कि लोहे की कील या लोहे की सुई, दोस्तों चाहे लोहे की कील ले लीजिए चाहे सुई ले लीजिए, वो पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है? जी हाँ दोस्तों, लोहे की कील या लोहे की सुई जो है पानी की सतह पर तैरती रहती है, उसका कारण क्या है दोस्तों? तो क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण जो है लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती रहती है। वहीं अगर हम अगले प्रश्न की बात करें, चौथे प्रश्न की, क्या कह रहा है देखिएगा, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्यों? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्यों? ऐसा क्यों है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है? तो दोस्तों, क्योंकि वहां पर जो परमाणुओं का पलायन वेग है ना, वहां पर परमाणुओं का पलायन वेग वो वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। वर्ग माध्य मूल वेग मतलब होता है दोस्तों VRMS। जी हाँ दोस्तों, VRMS, इसका एक सूत्र जरूर आता है दोस्तों, एक डेरिवेशन जरूर आता है। डेरिवेशन मतलब कि इस सूत्र पर एक सवाल आता है जिसमें आपको VRMS रूट टू करके एक प्रश्न रहता है, जब न्यूमेरिकल में बताऊंगा तो उसमें आपको जरूर बताऊंगा। तो इसके लिए अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं क्वेश्चन लेकर आऊं, जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए दोस्तों। तो वही दोस्तों देखिए, अगर मजा आ रही है दोस्तों तो एक बार लाइक जरूर करिए दोस्तों, एक बार लाइक जरूर करिए दोस्तों, दबा के लाइक कीजिए, लगना चाहिए कि आप सब एयरफोर्स के स्टूडेंट हैं। और एक बार जय हिंद लिखिए सभी लोग, एक बार सभी लोग जय हिंद लिखिए दोस्तों। तो देख रहे होंगे दोस्तों, दूध से मक्खन निकालने पर उसके घनत्व में क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों ये दूध है और दूध में दोस्तों मक्खन भी है, और जब मक्खन रहेगा अर्थात इसकी डेंसिटी या इसका घनत्व अधिक रहेगा दोस्तों, लेकिन वही मक्खन को जब हम निकाल लेंगे, वही मक्खन को जब हम निकाल लेंगे दोस्तों, तो इसका घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, इसका घनत्व कम हो जाएगा। तो वही है दोस्तों, दूध से मक्खन निकाल लेने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका घनत्व क्या हो जाता है दोस्तों? उसका घनत्व घट जाता है। वहीं अगर हम आगे बात करें दोस्तों, तो क्या लिखा है देखिएगा, अंडा मृदुजल में डूब जाता है जबकि नमक के सांद्र घोल में तैरता रहता है, ऐसा क्यों है? सेम वही रीजन है दोस्तों, चूंकि हम जानते हैं कि अगर जल रहेगा
तो जल में डालेंगे तो ये डूब जाएगा, क्योंकि जल का घनत्व डेंसिटी जो होती है वो कम होती है। लेकिन जब दोस्तों इसी में हम नमक मिला देंगे, इसी में नमक मिला देंगे तो इसका घनत्व बढ़ जाएगा, और जब इसका घनत्व बढ़ जाएगा दोस्तों तो वो अंडा जो है इस पर डूबेगा नहीं, तैरता रहेगा। अर्थात नमक के घोल का जो घनत्व होता है वो अंडे के घोल से अधिक होता है, मतलब अंडे के घनत्व से अधिक होता है। तो याद रखिएगा कि नमक के घोल का घनत्व अंडे से अधिक होता है। वहीं अगर हम अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, तो आप देख रहे होंगे लिखा है घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है दोस्तों, तो वो कौन सी ऊर्जा है? दोस्तों घड़ी के स्प्रिंग में जो ऊर्जा लगती है वो आपकी स्थितिज ऊर्जा लगती है, घड़ी के स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा लगती है। वहीं हम आगे बात करें दोस्तों, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाते हैं तो उसके भार में क्या परिवर्तन होगा? जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाते हैं तो उसके भार में क्या परिवर्तन होगा दोस्तों? तो उसका भार क्या हो जाएगा? घट जाएगा। याद रखिएगा उसका भार घट जाएगा, क्योंकि दोस्तों देखिए चंद्रमा पर जो जी का मान है ना, चंद्रमा पर जो जी का मान है वो पृथ्वी के जी के मान का 1/6 भाग होता है। अर्थात चूंकि हम जानते हैं कि भार W बराबर mg होता है, अर्थात g पर डिपेंड रहता है कि भार उसका कितना बढ़ेगा। तो जब चंद्रमा पर जाते हैं तो चंद्रमा पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग वहां पर गुरुत्वाकर्षण लगता है, इसी की वजह से उसका भार क्या हो जाता है दोस्तों? घट जाता है। वहीं अगर हम आगे बात करें तो किसी पिंड का भार कहाँ पर अधिक होगा? जी हाँ दोस्तों, आप लोग बताइए किसी पिंड का भार कहाँ पर अधिक होगा? तो दोस्तों हम जानते हैं कि पृथ्वी आपकी यही है, तो यहाँ पर दोस्तों अर्थात ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा जो है भार होगा, क्योंकि यहाँ पर जी का मान सबसे अधिक होता है। ध्रुवों पर दोस्तों जी का मान सबसे अधिक होता है, इसीलिए भार भी सबसे अधिक होगा। तो ये था दोस्तों आज का हमारा 10 प्रश्न ये था दोस्तों। आप एकदम मन लगाकर पढ़ते रहिए और पुराने वीडियोस देखते रहिए दोस्तों। देखिए वन्य जीव अभ्यारण के हैं, वहीं अगर हम आपको बता दें दोस्तों रागा की भी क्लास हमारी चली है, वहीं इंग्लिश की दोस्तों स्पेशल मैराथन क्लास चली है। तो सारी क्लासेस आप एक बार देख डालिए दोस्तों, एक बार रिवीजन कर डालिए, मन लगा कर पढ़ लीजिए दोस्तों, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और इस बार एग्जाम जरूर निकलेगा दोस्तों। तो मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।